नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन से लेकर एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर यह कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज लीगल हेल्पलाइन में हम बात करेंगे परिवार के लोगों के रखरखाव से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, और इस मुद्दे से जुड़े अभिभावकों की देखभाल के लिए क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। और इस मुद्दे पर अगर आपके कुछ सवाल हैं, कोई परेशानी है या फिर किसी तरह की समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अभिभावकों की देखभाल के लिए क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अभिभावकों के बारे में आज बात की जाएगी कि क्या रखरखाव के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अभिभावकों की देखभाल के लिए क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजीव मनन जी। संजीव मनन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। एक बात यहां पर आती है अभिभावकों के देखभाल को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस पर चर्चा हो रही है। हमारे भारत में देखा जाता है कि माँ बाप बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, लेकिन आगे जाकर यही बच्चे होते हैं जो माँ बाप को कहीं दरकिनार कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इतना तेज दौड़ने लगते हैं कि माँ बाप को कहीं पर छोड़ ही जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, और सबसे बड़ी बात कि क्या कुछ इसके कानूनी प्रावधान है? ऐसे है, समाज बड़ी जल्दी अपने उससे भाग रहा है। समाज में अब बच्चों को शिक्षा माँ बाप से थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज में दी जाती है, पर जो उनको संस्कार है वो टीवी न्यूज चैनल पे या टीवी पे संस्कार ले रहे हैं। इस संस्कारों के अभाव से आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। और दूसरा, मेंटेनेंस अपने माँ बाप को और अपने बुजुर्गों के लिए हरेक बच्चे का दायित्व है, फर्ज है, उन्हें अपने माँ बाप के लिए एक वो करना पड़ेगा। और हर बात पे ये छोटे छोटी न्यूक्लियर फैमिली में ये झगड़े चल रहे हैं क्या है, और उसके बाद सरकार ने एक कानून भी 2007 में पास कर दिया है। इसमें कानून भी है कि पेरेंट्स का राइट है कि उनके बच्चे उनकी देखरेख करें, और माँ बाप को यानी यहाँ पर पूरे अधिकार दिए गए हैं। और इसी पर हम और विस्तार से तफसील से हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं अंबेडकर नगर से, मोहम्मद खालिद साहब। मोहम्मद खालिद साहब, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी आपको? मैं मोहम्मद खालिद अंबेडकर नगर से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरे पिताजी के नाम सर एक छोटे की दुकान थी जो कंट्रोल कहते हैं जी, राशन की दुकान जी। तो मेरे दुकान उसको जो है निरस्त कर दी गई, तो हम जो है कमिश्नर की यहाँ अपील किए। अपील करने के बाद मेरे पिताजी की मिस हो गई। अच्छा। तो वो अपील अब खारिज हो गई। अब जब अपील खारिज हो गई तो उन्होंने वो वैकल्पी निकाल दी, तो मैंने उसमें वारंट डाला, उसमें मेरा नहीं किया गया, किसी और के कर दिए। तो अब मैं क्या करूँ सर? अब RTI से मैंने जब वो मांगा रही जिसके नाम दुकान की गई है, वो RTI से वो कागज भी नहीं दे रहे हैं।
सर क्या किया जा सकता है? अगर आपको आरटीआई में कागज़ नहीं देते तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आरटीआई एक्ट में ये है, अगर को आपको आरटीआई एक्ट आरटीआई में कोई भी आपके जो भी कागज़ थे वो विद इन वन मंथ नहीं प्रोवाइड कराते तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उस जिसके भी जहां आरटीआई आपने कागज मांगे हैं उनको आप पार्टी बना के। नंबर दो पे जो आप कह रहे हैं जी मेरे फादर के नाम पे दुकान थी, वो क्या उसके कागज़ क्या है वो है, वो पूरी फाइल देख के ही बता पाएंगे। बिल्कुल, आप हम चाहेंगे आप अपने ना कागजात जो भी है आप चिट्ठी लिखकर आप हम तक पहुंचाएं और हम आपकी पूरी मदद इसमें करेंगे। हमारा पता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। हमारे साथ फैजुल एक और दर्शक लखनऊ से जुड़े हुए हैं। फैजुल साहब स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या समस्या है? नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा था सर, नवंबर में हम कुछ अपना डॉक्यूमेंट भेजे थे सर, कि जो कंपनी हमको 2,10,000 का चेक दिया था सर, तो उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया था, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी पुलिस स्टेशन में। तो सर मैं पूरा अपना कागजात आपके पास लीगल हेल्प इसमें पहुंचाया हूं सर, लेकिन अभी तक कानूनी सलाह बन के नहीं आया हमारा एड्रेस में। चलिए आज ही आपसे संपर्क किया जाएगा फैजुल साहब, और आज ही आपसे बातचीत की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ परेशानी है, और आप तक पूरी आपकी जो मदद है वो पूरी हर संभव मदद की जाएगी, ये हम आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, अभिभावकों की देखभाल के लिए क्या कुछ यहाँ पर कानूनी प्रावधान है मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये तो हमें पता चल गया कि भारत में ये सारी चीज़ें मूवमेंट देखते हुए आए हैं, लेकिन अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे कर सकते हैं अगर अभिभावकों की बात की जाए तो? ऐसे है, ये एक्ट है, इस एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे हैं उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा तब मिलेगा अगर वो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अगर वो नहीं करते तो उनका उस प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं है। और पेरेंट्स आप ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हैं अपना केस, और अगर ट्रिब्यूनल के होने के बाद भी बच्चे नहीं मान रहे तो कर रहे हैं तो सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में आप न्यायालय में जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और उसमें बच्चे बाध्य होंगे कानूनी तौर पे अपने पेरेंट्स को रखने में, देखभाल करने में और खर्चा देने में। शुरुआती तौर पर इसमें अगर पुलिस के पास जाकर शिकायत की जाए, पुलिस का यहाँ पर किस तरह की एक भूमिका यहाँ पर रह सकती है? हर एक पुलिस स्टेशन में ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि सीनियर सिटीजन सेल और अलग बना हुआ है, उनकी हर एक कंप्लेंट को देखा और पढ़ा जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ठीक है, सुशील तिवारी हमारे साथ इस वक्त नवाबगंज से जुड़े हुए हैं। अगले दर्शक सुशील जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या समस्या है आपकी? मैं एक मेरे लड़के को फंसा दिया गया था लूटपाट डकैती में जी, और उसके बाद गैंगस्टर लगा दिया गया था, फिर उसके बाद गुंडाइट और 110 की कार्रवाई की गई थी, जो कि कोर्ट में था, कोर्ट से मैं लड़के जीत गया केस। इसके बाद भी गुंडाइट तो लगा ही है अभी, और वो गंगेस्टर लगा है, फिर गुंडा एक्ट जीतने के बाद लगा दिया गया जी, और फिर 110 की कार्रवाई कर दी गई, और 110 एक बार फिर चैलेंज करके खत्म कराया, फिर लगा दिया गया। सर इसमें क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? ऐसे है, जब आपका गुंडा एक्ट एक बार अदालत ने निरस्त कर दिया है तो वो दोबारा नहीं लगा सकते। हो सकता है कहीं आपके बच्चे ने द्वारा कहीं अनभूल में कोई क्राइम कर दिया होगा, तब पुलिस को लगा कि नहीं ये गलत हुआ तो इस पे द्वारा लगाया जाए तो लगाया हो, अदरवाइज जब एक बार गुंडा एक्ट आपके बेटे पे से हटा दिया तो पुलिस द्वारा नहीं सेम केस में लगा सकती। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ देवेंद्र, अगले दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, क्या समस्या है आपकी, किस तरह से मदद कर सकते हैं आपकी? चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, हम वापस अपने मुद्दे की ओर लौटते हैं और बात करते हैं कि परिवार के लोगों के लिए रखरखाव की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं अभिभावकों के लिए। सर ये तो बात हुई, इसके प्रोविजन की भी हम बात कर रहे हैं, और कई बार ये चीज़ देखी जाती है कि माँ बाप काफ़ी सेंटिमेंट्स उनके अंदर होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे हर बार उन पर जुल्म ढाते हैं, ऐसे में
कानून की शरण यहाँ पर ले सकते हैं और कितना जल्द इस मामले की सुनवाई यहाँ पर होती है? क्या इधर भी लंबे मामले खिंचते हैं? इस जो एक्ट है इसमें विद इन सिक्स मंथ्स आपके हक में फैसला आएगा, ये एक्ट में प्रोविजन है। और दूसरा मैं सब बच्चों को यही कहूँगा कि बोया पेड़ बबूल का चंदन कहाँ से पाओगे, आज जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो वो आपके साथ कल होगा, ये बात याद रखना। तो यही बात कहूँगा, जो भी आज जंग है मेरी एज के हैं अपने माँ बाप के लिए, आज वो कहते जी इससे अच्छा तो मेरे को बेटे की बजाय ना, मैंने देखा कई जगह कि बेटे की बजाय मुझे बेटी दे देता परमात्मा तो मैं बहुत खुश होता। पर ये स्थिति क्यों है? क्योंकि उसकी घरवाली भी किसी की बेटी है जी। देश, क्योंकि उन्हें संस्कार नहीं है। सारा समाज में इस टाइम त्राहिमाम मचा हुआ है और माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अपने मुंह का नवाला बच्चों को दिया, उनकी हालत ये होती है कि एक दिन देख के आंसू आते हैं आंखों में, कि ये हालत भी होती है माँ बाप की। बिल्कुल, ये एक कड़वा सत्य है जो सच बनकर बार बार आंखों के सामने आता है और आंखों में छुपता भी है। प्रमोद अम्बाला से हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी स्वागत है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ जी सर, ऐसा है मेरे पिताजी ने मेरे से बेदर्दी का केस किया था जी। तो हेलो जी बोलिए। तो बेदखल क्या कहते हैं केस करा था खर्चे का, मैंने खर्चा कबूल कर लिया। तो कबूल करने पे अब पिताजी ने दूसरा केस कर दिया बेदखली का। हाँ। तो अब मैं क्या करूँ उसमें सर, क्या किया जा सकता है? जो उन्होंने बेदखली का आप पे केस किया है उसमें कोई ऐसी स्थितियां हो गई होंगी कि उन्हें लग रहा था कि ये बेटा या ये मेरी बहू है ये मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं और इनको मेरी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा और मैं ये प्रॉपर्टी अपनी दूसरी औलाद को या दूसरी बिटिया को दूंगा, वो उनका राइट है, वो कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं प्रमोद जी? हाँ जी हाँ जी। आप क्या चाहते हैं? तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पिताजी ने बेदखल का कर रखा है और वो दादाजी के नाम से प्रॉपर्टी चल रही है जी। प्रॉपर्टी चाहे पेरेंट्स हो, अपनी खरीदी हुई हो, लॉ चेंज हो चुका है, अब ये नहीं है कि दादा ला ही प्रॉपर्टी है इसमें मेरा राइट है। अगर अपने माँ बाप को आप नहीं पूछोगे तो आप प्रॉपर्टी में लीगल राइट नहीं है आपका। ये लेटेस्ट जजमेंट भी आई है दिल्ली हाई कोर्ट की और यही लॉ है। वैसे एक चीज और प्रमोद जी है, आप चाहें तो मीडिएशन सेंटर जा सकते हैं और सबसे एक बहुत कीमती चीज़ होती है अगर माँ बाप का जो रिश्ता होता है और बेटे और बाप का जो रिश्ता होता है, हम चाहेंगे कि आप बैठ के अगर बातचीत करेंगे, आप आपकी देखभाल करें तो बहुत आगे फायदा हो सकता है, अच्छा रहेगा, आपके जो रिश्ते हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय वीर हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं फरुखाबाद से। अजय वीर जी स्वागत है आपका, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? नमस्ते सर। सर हमारी लड़की जो है किडनैप हुई थी जी, फर्स्ट बार किडनैप हुई थाना नवाबगंज फरुखाबाद से जी। तो उसमें सर वो मतलब 48 घंटों में लड़की पुलिस ने बरामद करके वापस दे दी जी। हैं उसमें कहने मतलब कैंडिडेट 8 थे लड़की के बयानों में, 164 के बयानों में जी। तो उन्होंने जो है लड़की को दोबारा फिर अब हम अपने साधु के यहाँ लड़की जैसे पढ़ाने के लिए यहाँ से वहाँ भेज दिया तो वहां से लड़की दोबारा किडनैप कर ली गई सर। उसके ठीक एक मिनट डेट बता रहे हैं हम आपको जी जी। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए, हम समझ रहे हैं आपकी बात। 8/12 मतलब ये पहले बार 7/12/2014 को लड़की किडनैप हुई थी सर। आपका सवाल क्या है, आप क्या मुद्दा क्या है आपका, आप बताइए। अब साहब जो लड़की दोबारा किडनैप हुई है उस समय जो है पुलिस वालों ने मिलके लड़के वाले से स्पंज मुकदमा कर दिया है। ठीक है, जान लेते हैं क्या कुछ इसमें हो सकता है। आपकी लड़की की एज कितनी है महाशय जी? दोनों बार
विवेचना कही है, एक बार विवेचना वैसे करवा। अजय वीर जी उम्र, अजय वीर जी उम्र पूछी जा रही है आपकी बेटी की, उम्र कितनी है? 16 साल थी सर, दोबारा में 16.5 साल। ऐसे है, 18 साल से कम बच्ची का अगर अपहरण होता है तो उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है और वो नॉन अवेलेबल है। जितने का भी नाम होगा वो अंदर जाते हैं, जेल में रहते हैं। उसके बाद जब बच्ची का बयान कोर्ट में हो जाता है, जज साहब के सामने हो जाता है, उसकी गवाही हो जाती है, क्रॉस हो जाता है, तो उसको केस को जल्दी फास्ट ट्रैक में 6 महीने के अंदर अंदर खत्म करते हैं। और दूसरा, अगर आपका केस झूठा है तो पुलिस को लगता कि झूठा है तो वो कार्रवाई निरस्त भी कर सकती है। बाकी हम चाहेंगे कि आप अपनी चिट्ठी हमें हमारे पते पर लिख के भेजिए, हम आपसे ज़रूर इसमें आपकी जो मदद हो सकती है वो करेंगे। शुक्रिया फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जो बात यहाँ पर की जा रही है कि माता पिता की, जैसे हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे और उन्होंने भी कहा कि माता पिता की जायदाद पर, वसीयत पर हक यहाँ पर जताया जाता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि शुरुआत में माता पिता अपने बच्चों को हर कुछ दे देते हैं, जो भी चीज़ है वो सब उनके नाम कर देते हैं, और बाद में बच्चे वो असली रूप दिखाते हैं और माता पिता को दरकिनार कर देते हैं, उनको साइड में कर देते हैं। तो ऐसे में माता पिता क्या वापस अपनी दी हुई संपत्ति उनसे वापस ले सकते हैं, ऐसा कुछ हक? 2007 में ये कानून आ चुका है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसमें अगर बच्चों के नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी कर भी दी है, अगर वो उसके बाद उसकी देखभाल नहीं करते, उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। ये एक्ट में है, ये कानून आ चुका है कि बच्चों के अगर करवा भी ली है तो बाद में भी वो पेरेंट्स निरस्त कर सकते हैं उसको। ठीक है, शेष नारायण हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त फैजाबाद से जुड़े हुए हैं। शेष नारायण जी स्वागत है आपका, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, अपनी बात रखिए। जी हम ये जानना चाहते हैं जी। हेलो जी, हम दो भाई दो बहन हैं। अच्छा, और दोनों भाई शादी हो गई, बहन शादी हो गई, दोनों बहन की दोनों भाई शादी हो गई है। हाँ। पिताजी हमारे 93 में विभाग से रिटायर हुए जो है। अच्छा, तो 93 से पहले बड़ी बहन की और बड़े भाई की शादी हो गई थी। अच्छा, 95 में मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद जो है छोटी बहन रह गई, उसकी शादी नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो छोटी बहन की शादी मैंने किया, मेरे पास सारे प्रूफ है जी जी। फिर उसके बाद दोनों उसका, मेरा बहन की शादी करने के बाद मेरा जो है ऑपरेशन हुआ जो है। हाँ। उसमें हमें परिवार से कोई मदद नहीं मिली। ठीक है, भाई साहब हमारे सर्विस भी करते थे, तब भी जो है परिवार एक साथ था। फिर बहन का दौना जो है मैंने दिया। फिर माता जी को टीबी हो गई जो है, और पिताजी बीमार हुए, दोनों का इलाज मैं किया। ठीक है, और फिर जो है माता जी एक्सपायर हुई, उनका उनकी काम के लिए मैंने किया जो किया जाता है। ठीक है, आप, हाँ। भाई साहब से कोई सहयोग नहीं मिला। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अब पिताजी हमारे आज 6 महीने से बीमार है, उनको टीबी है जो है, मैं उनका इलाज कर रहा हूँ जो है। ठीक है, पेंशन पे किसी कारण से लोन ले लिया गया था जो है, पेंशन जो है 8,000-9,000 कट जाती है आप लोन पे। जी आप चाहते क्या है, आप ये बताएं। हम ये चाहते हैं पिताजी हमारे जैसे जो है, अगर वो सीएस करना चाहते हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है, माता जी मैंने इलाज किया, हमारे पास प्रूफ है, वो हमको सीएस अगर करना चाहते हैं, और दूसरा भाई उस पर ऑब्जेक्शन करता है तो उनका हक बनता है, अगर पिताजी नहीं चाहते हैं तो। समझ, ठीक है, आप समझ गए होंगे संजीव जी। तो इसमें इनका ये कहना है कि मैं पूरी उनकी सेवा करता हूँ, तो वसीयत में मेरे को तवज्जो मिलनी चाहिए। ये तो उनका अपना राइट है, हक है, वो वसीयत किसके नाम करना चाह रहे हैं, जा ये तो उनका पूरा कानूनी अधिकार है कि वसीयत वो किसके नाम पे, बिटिया के नाम पे करना चाह रहे हैं, बेटे के नाम पे करना चाह रहे हैं। उनके पास ये भी राइट है कि वो अगर दूसरा बेटा नहीं पूछता तो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा के उस बेटे को कह दो जी इतने पैसे लगे थे और इसका इतना खर्चा बनता, जी इसे कहो मेरे को इतने पैसे दे दे, तो मैं इनके बारे में वसीयत के बारे में सोच सकता हूँ, अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से वसीयत करूँगा।
असन जी एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहे थे कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या उससे इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है? उनसे बिल्कुल फ़ायदा होगा, आप कोर्ट में बताइए सारे जाके डॉक्यूमेंट कि मैंने ये खर्चा किया, ये खर्चा किया है और ये मेरा हुआ है जी। वो कोर्ट दो हिस्सों में बांट लेगी उसे, नहीं है तो उनके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती है वो उसमें से आपको मर्ज कर दिया जाएगा, इतना इसको दिया जाए इसको बेच के। तो उम्मीद करते हैं शिष्ट नारायण जी आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला होगा। मैं एक चीज और संजू जी यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, एक बड़ी बात, कई बार ऐसा होता है कि बहुत तकलीफ दर्द माँ बाप को दिया जाता है, इसमें कुछ सजा का भी प्रावधान है? इसको किस तरह की सजा? इस एक्ट में बिल्कुल सजा का प्रोविजन है, सेक्शन 25 में, 25 में 3 महीने की सजा और फाइन एंड 3 महीने की सजा विद फाइन दोनों प्रोविजन है। अगर आप अपने माँ बाप को नेग्लेक्ट करोगे, नहीं पूछोगे, अगर वो कोर्ट चले गए तो आपको जज के द्वारा सजा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है 3 महीने के लिए और जुर्माना भी होगा अगर माँ बाप ने सिद्ध कर दिया कि ये बच्चे मेरे मुझे नहीं पूछते। ठीक है, एक चीज हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से, प्रदीप जी। प्रदीप जी स्वागत है आपका, क्या मदद हम आपकी कर सकते हैं, अपना सवाल रखिए। हेलो जी, हम ये जानना चाहते थे, बोलिए जी, हम ये जानना चाह रहे हैं हाँ? कि अगर हमारे जो है पिताजी भाई साहब से कई बार कहे कि पैसा नहीं है हमारी मदद करो, हमें पैसा तो कमा रहे हैं सर्विस कर रहे हैं जी उन पर हाँ? नहीं कर रहे हैं, हमें जो पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं जी, हम जमा पाती भेज डाले हैं, हमें जो रुपये के लिए मोहताज है, और पिताजी कहते हैं चलते तुम पूरी प्रॉपर्टी दिखाओ या भिजवा दो, मैं उनको एक रिकॉर्ड ही नहीं दूंगा जी, इस स्थिति में मैं क्या करूँ जो है जी, हम ये सलाह चाह रहे हैं सर, अपना ये सिस्टम में क्या करूं जो है, क्या करें? तो आप अपने पिताजी के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं वकील के थ्रू कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा ये है और इसकी इतनी इनकम है और मेरे को देखभाल नहीं करता, और पूरी केस उस पर चलेगा, उसे समन होगा तो कोर्ट उसको आदेश देगा कि आपकी इतनी इनकम है, इतने में से आपको इतने पैसे आपने अपने माँ बाप को देने हैं, ये आपका फर्ज है और उनका कानूनी अधिकार है। प्रदीप जी कानून पूरा न्याय करता है, कानून अगर बच्चों को ये हक देता है कि वो अपने माँ बाप की संपत्ति पर हक जता सके तो माँ बाप को भी पूरा हक यहाँ पर दिया जाता है कि अगर वो उनका रखरखाव नहीं करते हैं तो थोड़ी सी फटकार, थोड़ी सी सख्ती के साथ वो काम करवाया जाए और वो जो संपत्ति जो उनके नाम दी गई है वो यहाँ पर वापस भी ली जाए, ये सब अधिकार कानूनी अधिकार दिया गया है बुजुर्गों को। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए प्रदीप जी बहुत बहुत, और साथ ही संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज एक ऐसे मुद्दे पर हमने चर्चा की, एक ऐसे विषय पर हमने चर्चा करी जिससे ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं माँ बाप हैं वो परेशान हैं और कई बार दर्द के कारण वो बात बता नहीं पाते, वो सारी चीज़ें उनके अंदर दबके ही रह जाती हैं। तो फिलहाल अभी लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपसे ही जुड़ा एक और मुद्दा लेकर आपकी मदद के लिए, तब तक लीजिए इजाजत, नमस्कार।